आइए आपसे सुनते गुरप्रीत जी, लाइफ बिफोर ग्रेशियस। सर मैं भी मतलब टीचर थी, लेक्चरर थी मैं, और जैसे सर ने बताया लाइफ बिजी चल रही थी, अच्छी चल रही थी, और जैसे ही मैं रिटायर हुई तो वो गाना मुझे याद आ रहा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। तो मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, ठीक है ना, मैं 2 साल बैठी रही घर में, और मतलब जैसे टेंशन मेरे पर ज्यादा आनी शुरू हो गई, और ये एक डिप्रेशन की इंडिकेशन थी कि मैं इस डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि जो इंसान कभी ज्यादा घर में, घर का ये नहीं कि हम लोग लेडीज है घर का काम नहीं करती, करती है, हम लोग जरा ज्यादा चुस्ती से कर जाती है, क्योंकि अपने स्कूल पहुंचना होता था तो वही रूटीन, मैंने काम तो सुबह कर लेना लेकिन सारा दिन फिर क्या करूं। तो फिर मुझे अखबार में एक दिन ये ग्रे शेड के बारे एड मैंने मतलब देखी, और मैंने एक महीना पहले देखी थी, फिर महीने के बाद जिस दिन इनका शुरू हुआ उस दिन मैंने दिमाग में आ गया, तो फिर बच्चे मेरे को लेके आए, पहले मैं बच्चों को कभी स्कूल दाखिल कराने के लेके गई थी, तो उस दिन मेरे बच्चे आए मेरे साथ और कहते आपको वहां पे दाखिल करवाते हैं, तो अच्छा लगा, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे दाखिला ले लिया जी ग्रेजुएशन में।